गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग लेसन 3 हिस्ट्री का टॉपिक 1.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इसका मतलब है राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। तो जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुँच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके थे जिसका नाम था रूर, पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दिया कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रा स्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रा स्फीति, इसको हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। अगला टॉपिक है बच्चों 1.3, मंदी के साथ द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। तो सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता नहीं रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो शेयर बाजार था, धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धराधर अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाजार बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मन का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच चुकी थी। जर्मन की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे
जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, या नुकरों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण यानी कि प्रोलिटेरियनाइजेशन के नाम से जाना गया। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी का बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनका औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई संविधान नहीं खोज पा रहा था। ये था बच्चों टॉपिक 1.2 एंड 1.3। कल हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।